बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। असलम रईसानी की नई वीडियो सामने आने के बाद एक नई बहस शुरू हो गई है कि क्या वाकई जनरल सरफराज शहीद के हेलीकॉप्टर को अमेरिका ने ड्रोन हमले के ज़रिए तबाह किया है या फिर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने अलहदगी पसंद बलोचों के ज़रिए तबाह करवाया है। अगर असलम रईसानी का बयान सच्चा है तो क्या DGISPR इसकी वजाहत करना पसंद करेंगे, और अगर असलम रईसानी का बयान झूठा है तो क्या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा असलम रईसानी के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे या फिर इसे सियासी बयान कहकर नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। तफसील में जाने से पहले असलम रईसानी की ये वीडियो देखते हैं कि असलम रईसानी ने क्या कहा है। ये जो अभी अल्लाह मग़फ़िरत करे जनरल सरफराज को, दो खबरें हैं। एक तो अमेरिकन एम्बेसी से आया है, इफ अपोलोजाइज बाय मिस्टेक द टैक्टिकल ड्रोन टारगेटेड दिस हेलीकॉप्टर। दूसरा ब्रास से आता है, बलोच राज है, आज हुए संगत, वो कहते हमने मारे। अब किसने मारा है? अब तो फिर नाज़रीन, हकीकत यह है कि असलम रईसानी का बयान झूठा है। ना तो अमेरिकन एम्बेसी की तरफ से कोई माफ़ी मांगी गई है और ना ही भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की यह कार्रवाई है। असलम रईसानी पहले भी एंटी आर्मी और एंटी पाकिस्तान बयान देते आए हैं, ये बयान भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है, लिहाजा पहले की तरह अब भी इसे सियासी बयान समझकर इग्नोर कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर सियासतदानों के ऐसे बयानात पर एस्टेब्लिशमेंट ने कार्रवाई शुरू कर दी तो फिर कम ही सियासतदान ऐसे बचेंगे जो गिरफ्त में नहीं आएंगे।